नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेगी। दोस्तों, आज वो तारीख है जब चंद्रमा पर लगेगा ग्रहण। ये आंशिक चंद्र ग्रहण है जो हमारे देश में ही नहीं बल्कि कई देशों में दिखाई देगा। पूरी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड बेस्ट मैजिक चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 16 जुलाई 2019 को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्रमा मन का कारक होता है, जिस वजह से चंद्र ग्रहण के दौरान भावनात्मक और मानसिक तौर पर घबराहट होती रहती है। चंद्र ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत ज़्यादा होता है। वहीं ग्रहण के दौरान राहु व केतु का भी प्रभाव अधिक होता है। दोस्तों, साल 2019 का दूसरा चंद्र ग्रहण 16 जुलाई 2019 की मध्य रात्रि उपरांत लगेगा। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को दिन मंगलवार को लगने वाला है। यह आंशिक चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण 16 जुलाई 2019 की 1:32 से लेकर 4:30 तक चलेगा। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 2:58 तक होगी। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 16 जुलाई 2019 को 4:32 से शुरू होगा, जो कि ग्रहण के साथ ही 16-17 जुलाई की मध्य रात्रि उपरांत को 4:30 पर समाप्त होगा। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और धनु और मकर राशि में घटित होने वाला है। इस कारण धनु और मकर राशि व लग्न और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातकों के जीवन में इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए धनु और मकर राशि व लग्न और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातकों को पूरी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसके अलावा यह चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अफगानिस्तान, यूक्रेन, टर्की, ईरान, इराक, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अटलांटिका और प्रशांत अटलांटिक व हिंद महासागर में दिखाई देगा। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल व ग्रहण काल के सारे नियम मान्य होंगे। दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय यंत्र मंत्र सिद्धि साधना के लिए अधिक सिद्धिदायक माना जाता है। चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों से निजात पाने के लिए ग्रहण के दिन गरीबों को दान दें, भोजन करवाएं तथा गायत्री मंत्र का जाप करें, अपने इष्ट देव की आराधना करें। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान एकांत होकर बैठकर रामचरितमानस, सुंदर कांड या दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो बेड पर ही बैठकर आराम से चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः या शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकती हैं। इससे आपका समय आसानी से कट जाएगा। ध्यान रखें, अपनी गोद में एक नारियल ले लें और तुलसी का पत्ता भी साथ रखें, और कुछ खाने पीने की ज़रूरत महसूस हो अपने खाने पीने के भोजन व जल में तुलसी का पत्ता अवश्य डाल लें। इससे उस भोजन व जल में ग्रहण का दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान अवश्य करें और घर व पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। घर के मंदिर में धूप दीप जलाएं, कपूर या लोबान जलाकर उसकी धुनी पूरे घर में दिखाएं, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर हो जाए। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के बाद दान अवश्य करना चाहिए। चंद्र ग्रहण में सफ़ेद चीज़ों का दान करें। सफ़ेद वस्त्र, आटा, चावल, चीनी या चांदी आदि का दान अवश्य करें। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपका कोई सवाल हो
तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक से जुड़ने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अवश्य क्लिक करें और साथ ही साथ घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।